नमस्ते दोस्तों, नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे कितना बड़ा कट लग चुका है टायर को, और ये जो टायर आया है ये हमारे पास कोल्हापुर से आया हुआ है, जो कि हमारे शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल देख कर ये कस्टमर हमारे पास आए हुए थे। सबसे पहले तो हमने जितना भी निकला हुआ पार्ट था, कट लगा हुआ पार्ट था, उसे कट करके फेंक दिया है, और फिर बाकी के हिस्से को हम ठीक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा होल गिरा हुआ है। सबसे पहले तो जो होल है उसके चारों साइड में हम लोग चौक से मार्किंग कर लेते हैं, ताकि जहाँ पे पैच लगाना है वहाँ पे अच्छी तरह से सेंटर में पैच लगा सके। आपको ठीक इसी तरह से मार्किंग करके लेना है। दोस्तों, इसके बाद हमें अंदर के बाजू से अच्छे से रास्प करके लेना है, जिससे कि ये बहुत ही साफ और क्लीन हो जाए। आप देख सकते हैं, और बाहर से हम इस टूल के मदद से, जिसे हम रास्प कहते हैं, कोन रास्प, इसे होल को क्लियर कर लेंगे। जितना भी गया हुआ हिस्सा है उसे परफेक्टली राउंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस कोन की मदद से कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बफ करके ले रहे हैं, इस होल को क्लीन करके ले रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही होल क्लीन हो जाए, हमें कटर व्हील के मदद से जो साइड का एरिया है उसे भी अच्छी तरह से बफ करके लेना है, क्लीन करके लेना है, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन हो या बॉन्डिंगम हो, जो भी काम हम उसके ऊपर करने वाले हैं, वो अच्छी तरह से चिपके उससे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फिनिशिंग आ चुका है। अब हम इसे सॉल्यूशन लगा लेते हैं। दोस्तों, जब भी सॉल्यूशन लगाए उसे सूखने का अच्छा खासा वक्त दीजिए। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लगा के अंदर से और फिर बाहर से भी लेंगे। जब कभी आप सॉल्यूशन अप्लाई करते हो, ध्यान रखिएगा एक जैसे अप्लाई होना चाहिए। दोस्तों, जब तक ये सॉल्यूशन सूख नहीं जाता, तब तक हम इसके लिए पैच तैयार करके लेते हैं। फैब्रिक पैच का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो रेडियल टायर होता है इसे सीधा प्लाई दिया जाता है। आपके कट के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से आप प्लाई बढ़ा या घटा सकते हैं। जब भी आप एक प्लाई दूसरे प्लाई के ऊपर लगा रहे हो तो ध्यान रखिए उसके ऊपर स्टिचर घुमाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे हमने प्लाई लगा लिया है। अब स्टिचर घुमा के इसे बॉन्डिंग हम से रैप कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्डिंग हम है इसके ऊपर हम दोनों तरफ से बॉन्डिंग हम लगा के उसे अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्लाई था उसके ऊपर और नीचे दोनों हिस्से को हमने बॉन्डिंग हम से रैप कर लिया है, पैक कर लिया है।
दोस्तों ये जो कट आप देख रहे हैं इसको हम बॉन्डिंग हम का छोटे छोटे स्ट्रिप बना के पूरी तरह से अंदर से बाहर तक बॉन्डिंग हम की पट्टी लगा लेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस बॉन्डिंग हम की पट्टी को पूरी तरह से राउंड हमें लगा के लेना है। ये बस एक्स्ट्रा मजबूती के लिए, एक्स्ट्रा पकड़ के लिए हम लगा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब कभी आपके टायर को रिपेयर होता है या फिर पंचर निकलता है तो उस व्हील का जो बैलेंसिंग होता है वो बिगड़ जाता है। तो कृपा करके जहां कहीं पे भी आप पंचर निकाल रहे हैं या फिर रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद आप फौरन से उस टायर को बैलेंसिंग जरूर करके लें। बैलेंसिंग करने के बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप ऐसे बड़ा रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसे हमेशा पीछे ही इस्तेमाल करें, आगे कभी इस्तेमाल ना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बॉन्डिंग हमको लगा लिया है अच्छी तरह से। अब इसे स्टिचर लगा रहे हैं, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हम स्टिचर से पेस्ट करके लेंगे उसे अच्छी से। अब दोस्तों इसके ऊपर भी हम एक बॉन्डिंग हम की पट्टी जो है वो जरूर लगाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो बॉन्डिंग हम की पट्टी है वो हम दोनों तरफ से लगाएंगे। अंदर से जब लगाएंगे तो पहले पट्टी लगाएंगे, उसके बाद हमने जो पैच बनाया हुआ है उसे उसके ऊपर से लगा लेंगे। और जब आप बाहर से लगा रहे हो तो पहले फिलिंग करके लेंगे, उसके ऊपर से हम बॉन्डिंग हम की पट्टी लगा लेंगे। यहां पे हमने पैच को लगा लिया है, अब इसके ऊपर स्टिचर घुमा के हम इसे ऊपर की तरफ से भी पेस्टिंग करके लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे बॉन्डिंग हम भर के ले रहे हैं। आप गरम करके भी बॉन्डिंग हम भर सकते हैं या फिर कच्चा बॉन्डिंग हम भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से हम बॉन्डिंग हम की जो पट्टी होती है उसे लगा लेंगे ताकि जो फिनिशिंग है वो एक जैसे आ जाए, क्लीन आ जाए। दोस्तों यहां पे हमारा जो रिपेयर का काम है वो मेन काम खत्म हो चुका है। अब बस इसके ऊपर जो हमारा कपड़ा होता है जिसे हम पैराशूट क्लॉथ बोलते हैं उसे लगा लेंगे। और जो पैराशूट क्लॉथ है ये हम दोनों तरफ से लगाएंगे। इसको लगाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि फिनिशिंग अच्छा आ जाए। इसी प्रकार हम अंदर से भी इस पैराशूट क्लॉथ को लगा लेंगे। दोस्तों अब इसको हम हमारा जो स्पॉटर मशीन है उसके ऊपर लेके आके फिट कर देंगे।
और इसे अच्छे से कस देंगे। आप देख सकते हैं यहां पे हम इस मशीन को चालू कर रहे हैं। और हम इसे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहां पे हमारा जो टायर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे खोल रहे हैं, खोल के देखते हैं रिपेयर कैसे हुआ है। हमने प्लेट को निकाल दिया है। इसके ऊपर जो सैंड बैग लगाया था उसे भी हम निकाल के लेंगे और फिर टायर को बाहर निकाल के चेक कर लेंगे कि टायर कैसे बना है। ये अच्छा खासा चिपक गया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, आप जो ये फैब्रिक क्लॉथ है इसका पैराशूट क्लॉथ, उसे निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फिनिशिंग आ चुका है। और जो भी एक्सेस रबर बाहर आया हुआ होता है उसे हम बफिंग के मदद से फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से टायर रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।